पश्चिम बंगाल में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर हुए पथराव को लेकर भाजपा समर्थकों में आक्रोश देखने को मिला। शुक्रवार को भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह तोमर के नेतृत्व में सैकड़ों नेता कार्यकर्ता मैन चौराहे पर एकत्रित हुए, जहाँ बंगाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पुतले को 500 मीटर तक घसीटा और जय स्तंभ चौराहे ले जाकर फूंक दिया। विरोध प्रदर्शन में भाजपा के वरिष्ठ नेता कृष्ण मुरारी मोघे भी शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के ऊपर अटैक करने का योजना थी, किंतु उनकी गाड़ी जो बुक होने के कारण वहाँ पर उनका कुछ ये नहीं हुआ और उसके पीछे वाली गाड़ी में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश जी विजयवर्गीय थे, उनके सारे गाड़ी के कांच वगैरह फोड़ दिए और अटैम्प टू मर्डर का वो प्रयास था, किंतु ईश्वर की कृपा के कारण वो बच के वहाँ से निकल सके। मैं समझता हूँ कि प्रशासन के अंदर इस प्रकार की हिंसक घटनाओं के लिए कोई स्थान नहीं। स्वयं ममता जी जिस समय संघर्ष वहाँ कर रही थी और कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, वो इस बात को लेकर उन्होंने कई बार प्रदर्शन किए, आरोप लगाए, किंतु आज ममता जी जो वही काम कर रही हैं उसी मार्ग के ऊपर है। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूँ, चुनाव जो है आज बताएं किस उपलक्ष्य में पुतला दहन हुआ। पश्चिम बंगाल की सरकार में जो अराजकता, अहिंसा, भ्रष्टाचार, अन्याय जो हो रहा है, आज कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी है उन पे और माननीय महासचिव कैलाश जी पे जो हमला हुआ है, उसकी हम लोग सब बढ़वा के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की निंदा करते हैं और आज पूरे देश में एक गुस्से का माहौल बना हुआ है और उसी गुस्से के कारण प्रत्येक मंडल स्तर पर, बड़वा नगर मंडल स्तर पर, सनावत नगर मंडल, खरगोन जिले में अन्याय अत्याचार के खिलाफ, अहिंसा के खिलाफ ममता बनर्जी जो आपकी मुख्यमंत्री है उनके इशारे पर जो हो रहा है उसका उनका पुतला दहन किया जा रहा है और हम लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और आने वाले समय में ऐसा हुआ तो निश्चित माननीय बड़वा का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वहां जाकर पश्चिम बंगाल में उनके कार्यकर्ताओं की ईट से ईट भेजा देगा। मैं तो यही चाहता हूं कि हम लोग जिस देश में रहते हैं उस देश में गंगा बहती इस प्रकार का नारा देते हैं और यहां पर इस प्रकार का हमारे देश में जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ में या भारतवासियों के साथ में हो रहा है वैसा नहीं होना चाहिए। इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और ऐसा आने वाले समय में हुआ तो निश्चित रूप से प्रत्येक कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल जाएगा और वहाँ के कार्यकर्ताओं की ईट से ईट भेजा देगा। कुछ मांग है आपकी? मांग यही है कि आने वाले समय में इन सबके खिलाफ में कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और जो इस प्रकार के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, जो हमारे देश के कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं, इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। इनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। खरगोन बड़वा से ईडी न्यूज के लिए सोनू नायक की रिपोर्ट।